बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किचन में ज़रा तो आज नाएंगे समोसा रोल पट्टी रमज़ान स्पेशल। मैंने लिया है 1 किलो मैदा। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे इतना मिक्स करना है कि ये जब हम इसकी एक मुट्ठी बनाए तो ये मुट्ठी बन जाए। अगर आपको ऑयल कम लगे तो इसमें आप 1 या 1.5 टेबल स्पून, जितना आपको कम लगे उस हिसाब से आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और ये देखिए इसकी शेप कल भी आगे से चेंज हो गई। और ये देखिए मैंने मुट्ठी बनाई तो बिल्कुल बन गई है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी और उस आटे को गूंद लूँगी। पानी एक साथ इकट्ठा नहीं डालना, नहीं तो हमारा जो आटा वो पतला हो जाएगा। देखिए अब इसे जितना ज़्यादा हम आटा गूंदेंगे उतनी ज़्यादा हमारी ये चिडो तैयार होगी। इसलिए अब अगर आपका हाथ को चिपके तो आप हल्का सा ऑयल लगा लें और फिर इसे गूंदें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आप ये पतला हो जाएगा। और मैं इसे 10 से 15 मिनट तक गूंद लूँगी। देखिए आटा हमारा गूंदा गया। अब मैं इसे ऑयल लगाऊंगी और इसे रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख दूंगी। 15 मिनट बाद मैं इसकी रोटियां तैयार करूंगी। और ये देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से तैयार हुआ है, कितना अच्छा गूंदा गया। अब मैं इसे रेस्ट के लिए रख दूंगी। फिर हम इसकी रोटियां तैयार करेंगे। पंद्रह मिनट हो गए मुझे इसे रेस्ट के लिए रखे हुए और आटा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया। ये देखें आप रोटियां पेड़े बनाएंगे जिसके लिए मैंने खुश्क मैदा और ऑयल लिया और आटे को मैंने इस तरह से काट लिया। मैं इसको एक साइज़ के पेड़े बनाने के लिए आटे को काट लूँगी और फिर मैं उसके पेड़े बना लूँगी। हमने बिल्कुल एक साइज़ के काटना है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। अब एक एक करके इसके सारे में पेड़े बना लूंगी। और ये देखिए मेरे पेड़े जो हैं सारे मैंने बना लिए हैं। ये कितने अच्छे से बने। अब मैं इसकी एक एक करके रोटियां बनाऊंगी और हमने पांच पांच रोटियां बना के उनको एक रोटी बनानी है। इस तरह से मैं पहले सारी पांच रोटियां बना लूंगी।
आप इसमें जितना ज़्यादा हो सके आप उसका आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। जितना ज़्यादा आटा खुश्क इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा रोटी अच्छी बनेगी, पट्टी ऑल पट्टी और समोसा मट्टी बनाने के लिए। इसी तरह से हम सारी बना के एक साइड पर रखे जाएंगे। और ये देखिए मैंने इस तरह से 5 रोटियां जो थी वो बना ली हैं। अब मैं एक एक करके रोटी लूँगी, इस पर ऑयल लगाऊंगी पहले, फिर उसके ऊपर मैं खुश्क आटा और खुश्क मैदा जो है उसे डस्ट कर दूंगी। और ऑयल किनारों पे ज़्यादा लगाना है, इतना भी ज़्यादा नहीं लगाना कि वो ज़्यादा हो जाए रोटी, उसमें इनकी जो हम दूसरी रोटी लगाएं वो बिल्कुल इसके साथ चिपके ना। बस नॉर्मल ऑयल लगाना है कि ये जो जब हम इसे तवे पर डालें पकने के लिए तो हमारी रोटियां खुद ब खुद अलहदा होना शुरू हो, जिस इसके साथ जो किनारे हैं वो बिल्कुल चिपक ना जाए। ऑयल मैंने लगा लिया, मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और फिर दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा लेंगे। इसी तरह फिर से हम और फिर ऑयल लगाऊंगी मैं इस पर और ऊपर मैदा डस्ट कर दूंगी। इसी तरह हम 5 5 रोटियों को 5 5 करके जो हम बनाएंगे इसी तरह से हम करेंगे, और उसे ऑयल और मैदा डस्ट करके इसी तरह हम ऊपर रोटी लगाते जाएंगे। इसी तरह हम 5 रोटी की लेयर्स लगा लेंगे। और फिर से मैं इस पर मैदा डस्ट करूँगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने 5 रोटियों को मैंने इस तरह से इनकी लेयर्स लगा ली। अब मैं इनको हल्के हाथ से रख के बेलन की मदद से बेल लूँगी, और किनारों पे ज़्यादा नहीं, इसे थोड़ा दरमियान में हल्के हाथ से रख के बेलना, किनारों को ज़्यादा नहीं दबाना कि वो बिल्कुल साथ से पक जाए और हमारी जो पट्टियाँ वो अलहदा ना हो। ये देखिए इसे मैंने बेल लिया, मैं इसे तवे पर डालूँगी। और ये देखिए इसे मैं तवे पर डाला है, इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसे हम दोनों साइड पे 2 2 सेकंड दोनों साइड पे हम इसे सेक लेंगे और फिर इसे उतनी नीचे उतार के इसकी जो है पट्टियाँ वो अलहदा कर लेंगे। पट्टियाँ हमने जब गर्म गर्म हो तब भी अलहदा कर लेनी है, अगर इसे ठंडी करके अलहदा करेंगे तो आपकी पट्टियाँ ख़राब हो जाएंगी, वो फटेंगी, एक जैसी नहीं उतरेगी। इसलिए आप इसे गर्म गर्म को अलहदा करके तो फिर इसको आप कटिंग बाद में कर लें। इस तरह से मैं 2 सेकंड हो गए थे मुझे और मैं इसे इसके साइड चेंज कर दी। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी चूल्हे पे सेक लगा के तवे पे तो फिर हम इसे उतार लेंगे नीचे। ये देखें इस तरह से मैंने इसे तवे से उतार लिया, इसकी पट्टियाँ अलहदा कितनी आसानी से अलहदा हो रही हैं। ये मेरी दो थी, एक साथ इन्हें अलहदा अलहदा कर लूँगी मैं। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे एहतियात से हम अलहदा अलहदा कर लेंगे, ये ख़राब ना हो। ये देखिए हमारी पट्टियाँ कितनी अच्छे से तैयार हुई हैं। आप भी इस तरह बाज़ार जैसी पट्टियाँ घर पे तैयार करें। इस तरह से हम दूसरी साइड से भी इसके जो किनारों से इसको उतार लेंगे, पट्टियों को अलग अलग कर लेंगे। अगर आपकी कोई पट्टी ख़राब हो भी जाती है, फट भी जाती है, तो आप उसे ज़ाया मत करें, उसकी पाप। ये देखिए पट्टियाँ मेरी अलहदा होगी तो इससे मैंने साइड किनारे उतार लिए, और आप इस साइड किनारे को वेस्ट मत करें, इसकी पापड़ी तैयार करें और इसे दही बड़े या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे ऑयल में फ्राई करके।
अब ये जो है ये फुल साइज मेरा रोल पट्टी का, और इसे मैं दरमियान से काट लूँगी तो ये हमारी समोसा पट्टी तैयार हो जाएगी। ये देखिए आप कितनी अच्छी से हमारी समोसा पट्टी घर में तैयार हो गई है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी सी बिल्कुल एक तरह की समोसा और रोल पट्टी हमारी तैयार है। और मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर लूँगी, और आप भी इसी तरह से आप बना के रख लें, और रमज़ान में इसी तरह घर से तैयार की हुई समोसा रोल पट्टी से अपने घर में समोसे तैयार करें। मेरे चा आप भी जरूर ट्राई करें, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।